हाय गाइस, वेलकम टू द टीएनजी रिव्यूज। आज टेक न्यूज में मैं आपको बताऊंगी रेडमी 4A के बारे में। ये बहुत ही सक्सेसफुल बजट स्मार्टफोन है और शायोमी ने इसका एक नया अपग्रेडेड वर्जन इंडिया में लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने रैम को अपग्रेड किया है 2GB की जगह 3GB। इसका अपग्रेडेड वर्जन आपको 7,000 रुपए में सिर्फ अमेजोन पे अवेलेबल है, वो भी 31 अगस्त 2017 12 बजे के बाद। ये एक 4G LTE फोन है। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर IPS LCD डिस्प्ले है, जिसके अंदर आपको HD रेजोल्यूशन मिल रहा है। इसके अंदर आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन 425 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल रहा है, साथ में एंड्रॉयड 6 और MIUI 8 का इंटरफेस। इसके अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल रहा है F2.2 अपर्चर के साथ विद LED फ्लैश, और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा F2.2 अपर्चर के साथ। इसके साथ इस फोन में नॉइस कैंसिलेशन माइक भी दिया गया है, और इस फोन के अंदर आपको 3100 mAh की बैटरी दी गई है, और ये फोन आपको गोल्ड कलर, रोज गोल्ड कलर और ग्रे कलर में अवेलेबल है, और ये फोन सिर्फ 130 ग्राम का है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, और मोबाइल्स की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।